योगीराज परम पूज्य स्वामी प्रेम वर्णी जी महाराज की प्रथम पुण्य तिथि सौहार्द पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर लक्ष्मण जिला स्थित आश्रम में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधो स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदासतं जीवेम शरदासतं शृणुयाम शरदासतं ब्रब्रवाम शरदासतमदीनाः श्याम शरदासतं भूयश्च शरदासतो। ओम प्रदीप जी थोड़ा मिष्ठान दो। बलि वैश्व देव यज्ञ की 10 आहुतियां दिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सिमरन नारायण 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 सिमरन नारायण 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 भगवान भजमन नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण युगी में वहाँ बाल्यावस्था से इनको कभी जैसे 12 वर्ष के थे उस समय इनको योग की उस समय कंठा थी मैं योग योगी बन जाऊँ। वहाँ पढ़ते पढ़ते इनको वैराग्य हो गया तो संस्कार होते छुट्टी नाम श्रीमता देही योग पृष्ठ को विजाए थे ऐसे लोग योग पृष्ठ होते और ये जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो महाराज स्वामी सुदेवन जी महाराज वहाँ मैनपुरी जाते थे जो इनके गुरु जी थे स्वामी एकरसान जी महाराज की समाधि थी वहाँ मैनपुरी में गुरुपूर्णिमा पर जाते थे तो पेड़ बन गए उन्हीं के साथ में चले आए। अभी तक मुझे ध्यान है मैं परमाणु केतन में शाजापुर से पढ़ता था वहीं से आता था तो हम लोग वहीं मिले यहीं पे कई वर्ष तक रहे पर तो उनके अंदर योग की अब कंठा थी हाँ मुझे सारी साधना मिल जाए तो उनको पता चला यहाँ पर नहीं स्वामी योगेश्वरानंद जी हैं महाराज योग मूर्ति में रहते थे खोजा उन्होंने और हमारे महाराज जी से कहा स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज से कि महाराज हमें आज्ञा दें हम योग सीखना चाहते हैं तुम्हारी जो इच्छाएं पूरी हो और तुम सफल महाराज ने आशीर्वाद दिया और ये वर्षों रह करके उन्होंने वहाँ पर गंगोत्री में और जहाँ वहाँ पर उत्तरकाशी में जगह जगह रह करके योग साधना पूरी की और फिर उसी में तन्मय रहते थे मंडी जी महाराज और बड़े मधुरभाषी सबके साथ समय व्यवहार आप जानते हैं योग दर्शन का तात्पर्य क्या होता है
अयत्तु परमो धर्मो यत् योगेन आत्मदर्शनं। योग के द्वारा व्यक्ति आत्मदर्शन करता है। दुनिया के लोग बहिर्मुख है, बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर क्या है, बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनात्मा का ज्ञान। और जो सत्य महापुरुष होते हैं वो अपना ज्ञान करते हैं, अंतर्मुख होकर। आप जानते हैं आपके अंदर जो आपकी आत्मा है ना, ध्यान देना। अब तक आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ली दुनिया भर की, बहुत प्रकार से आपका एक प्रकार के डिलीट हो गए, एम हो गए बहुत प्रकार के, लेकिन हुए एम आई ये नहीं खुल पाए। रमण महर्षि इस बात पर बड़ा बल दिया करते थे, हुए एम आई अपने खुश रहो, योग माने अपनी खोज, मैं कौन। महाभारत में कैसी बात आती है कि महाभारत में श्वेत केतु की पत्नी पूछती है, पतिदेव बताइए कि महात्मा कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा दर्शन से कल्याण हुआ, आत्मा दिखाई पड़ती नहीं, दिखा तो शरीर पड़ते, आत्मा कैसे देखा जाए, ये महाभारत का प्रश्न। श्वेत केतु कहता है तुम ठीक है, न स्त्री न पुमाश्चयो तथैव न नपुंसकः केवल।